नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो पे हम सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कैंडिडेट्स के बीच में ईमेल रिलेटेड, वो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ईमेल का क्या मामला है आपके JSSC के जो CPT टेस्ट होगा उसमें। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो CPT का जिस कंपनी ने वेंडर लिया था वो वेंडर उन्हीं के पास है, वही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। और जैसा कि JSSC के द्वारा बताया जा रहा है कि उनके द्वारा काफ़ी अच्छा से ऑर्गेनाइज किया गया था अपना ये स्किल टेस्ट का, तो उसमें थोड़ा सर्वर डाउन होने के कारण ये सब प्रॉब्लम आ गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आगे का एग्ज़ाम भी जल्दी ही होगा। इसी मंथ के लास्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया कि एग्ज़ाम का डेट नहीं बताया, तो मैं आपको एग्ज़ाम का डेट बता रहा हूँ। इसी मंथ के लास्ट में आपका एग्ज़ाम कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जैक्ट डेट तो मैं बता नहीं सकता, बट इसी मंथ के लास्ट में होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका वहाँ पे एग्ज़ाम में कैसे क्या होगा, आपको सब कुछ हम बता देते हैं। साथ ही साथ जो आपका ईमेल रिलेटेड जो डाउट है वो भी मैं क्लियर करता हूँ। ईमेल में क्या मामला है, ईमेल आपको अगर याद है नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपका सब कुछ वहाँ पे काम हो जाएगा। आपको मैं सीधा से सिंपली आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप पहले जैसे ही आप बैठोगे वहाँ पे कंप्यूटर स्किल टेस्ट देने के लिए, तो आपको सिंपली जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो शुरू में आपका यहाँ पे पहले जो शिफ्ट होगा उसमें आपका टाइपिंग शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। टाइपिंग हो जाने के बाद जब सेकंड शिफ्ट में जाओगे तब आपका क्या है, तब आपका होने वाला है कंप्यूटर स्किल टेस्ट। कंप्यूटर स्किल टेस्ट में क्या होगा आपका कि जैसे ही आप जाओगे तो जैसे ही आपका वहाँ पे लॉगिन करोगे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम डाल के लॉगिन आईडी डाल के, तो आपको क्या होगा इस टाइप, जैसे कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देते होंगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन रहता है, जैसे कि मैथ्स का, ठीक है, यहाँ रीजनिंग का, यहाँ पे इंग्लिश का, यहाँ पे और मान लीजिए GS का, तो इसी टाइप से आपका सेक्शन बना रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया वर्ड का, ये हो गया आपका एक्सेल का, ये हो गया आपका PPT, ये आपका हो गया PPT का, ठीक है, ये हो गया आपका PPT का, और ये हो गया आपका ईमेल का। तो आपको क्या होगा, देखिए आपको क्या होगा, जैसे ही आप एग्ज़ाम में करोगे इंटर तो आपका टाइमर यहाँ पे आपका टाइमर लगा होगा, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, टाइमर रनिंग होने लगेगा। ये टोटली आपका एक ये आपका सर्वर पे होगा। सर्वर का कैसा लिंक रहता है आप लोग देखा होगा, 10.0.12 ऐसे करके सर्वर बनता है, इस टाइप का आपका सर्वर रहेगा। तो आपको इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई मान्य नहीं है आपके लिए। आपके लिए ये है कि आपका एग्ज़ाम कैसा होगा। तो देखिए इस टाइप से आपका होगा एग्ज़ाम, इसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल सब कुछ रहेगा। यहाँ पे आपका टाइमर काउंट होते चलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आप कोई भी सेक्शन कभी भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपका क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो पेपर में मिलेगा, पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको पेपर में देखना है, आपको सॉल्व करना है। पेपर काफ़ी इजी आ रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रा भी दरकार नहीं है। तो अब क्या है कि आपको जैसे कि आप जैसे लॉगिन हो गया आपने, तो आपको पहले इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, प्रोसीड करोगे तो प्रोसीड करने के बाद आप इस टाइप के इंटरफेस पे खुलोगे। मान लीजिए आपको वर्ड में घुसना है, वर्ड आपने किया तो आपका यहाँ पे वर्ड से यहाँ खुल जाएगा, बाकी सब ऐसा ही यहीं पे शो होते रहेगा ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे एकदम हूबहू वर्ड का जो इंटरफेस होता है वो इंटरफेस यहाँ खुल के आएगा, सिवाय इतना सा छोड़ के, ठीक है। पूरा आपका वर्ड का ऐसे इंटरफेस खुलेगा, हर एक चीज़ रहेगा जो आपके वो वर्ड में होता है। अब वो ये ज़्यादा ये आपका 2007 का वर्जन पे हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे सारा कुछ आपका उसी टाइप का रहेगा। तो आप आराम से यहाँ पे अपना जो भी दिया हुआ है, 4-5 लाइन दिया रहेगा, वो अपना यहाँ पे टाइप कीजिए, ठीक है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपका नीचे में सेव ऑप्शन रहेगा या फिर Ctrl+S रहेगा, आप वो प्रेस करते रहना। वो प्रेस कीजिएगा तो आपका जो भी डाटा आपने जो भी लिखा है वो आपका सेव होते जाएगा, ठीक है। यहीं से आप सेव कीजिएगा, आपका वो एक ऑटोमेटिक, एक बाय डिफ़ॉल्ट, एक आपके ड्राइव में सेव हो जाएगा, और उस ड्राइव में कुछ भी नहीं होगा अदर देन आपका ये चीज़ का। तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी आप करोगे आपका जो लॉगिन आईडी रहेगा जिसमें आप करोगे उसी नाम से ये पे आपका सेव हो जाएगा, ठीक है, उसी नाम से आपका ये फाइल सेव हो जाएगा। जैसे कि आपका वर्ड है तो वर्ड में जैसे आपका रोल नंबर हो गया है 1234, ठीक है, तो .doc नाम से सेव हो गया, ठीक है। एक्सेल में आएगा तो 123.xl जो भी है तो उसका ये रहता है एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन सेव हो जाएगा। PPT का तो PPT का जो भी एक्सटेंशन है उससे सेव हो जाएगा। और उस जहाँ पे सेव होगा वहाँ पे बस ये तीन ही फाइल रहेगा जो आपका जो आपने बनाया है, इस फाइल के सिवा कुछ भी अदर देन आपका फाइल नहीं रहेगा, ठीक है। मिट गया, एक सेकेंड आप वेट कर लीजिए, मैं आप बना लेता हूँ फिर से। ये आपका वर्ड हो गया, ये आपका एक्सेल हो गया, ये आपका ईमेल हो गया, ठीक है, ये आपका ईमेल हो गया, ठीक है। तो ये आपका वर्ड में हो गया, ये आपका एक्सेल हो गया,
ठीक है, ये आपका PPT हो गया, ये आपका ईमेल हो गया। जैसे यहाँ पर टाइप कर लिए, अब तुरंत अगर इसके इसमें आप स्विच कर सकते हो, इसमें आप स्विच करना है, यहाँ पे आप स्विच किए, उसके बाद वो क्या करना है, यहाँ पे आप स्विच करने के बाद अपना जो भी डाटा दिया है उस डाटा को बना लीजिए, ठीक है। उस डाटा को बनाने के बाद आपको क्वेश्चन में कुछ सिर्फ डाटा बनाने दे देगा, बाद में क्या होगा, आप जैसे यहाँ PPT पे जाओगे तो PPT पे क्या रहेगा कि आपका बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, जो भी ग्राफ रहेगा वो ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे जाओगे, वापस इसमें जाओगे एक्सेल पे, आप वो ग्राफ यहाँ पे बना लो, उसको यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको कॉपी करना होगा, और यहाँ पे जाके PPT का जो भी स्लाइड बोला गया है उस स्लाइड में जाके आपको पेस्ट कर देना है। वो पेस्ट कर दिए उसके बाद आप यहाँ से हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए उसको, और बाकी जैसे आपको बोला जाए वो स्लाइड को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया था कि पहले स्लाइड में आपको स्वागतम लिखना है, दूसरे स्लाइड में आपको वर्ड को हेडिंग के साथ लिखना है, तीसरे स्लाइड में आपको इसको लिखना है, जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाए उस टाइप से आपको बनाइए, लास्ट में आपको धन्यवाद लिखना, धन्यवाद लिखिए। अब सबसे बड़ा इशू आता है ईमेल वाला, ईमेल का क्या फंडा है, देखिए ईमेल का मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। देखिए ईमेल में क्या आएगा, जैसे भी आपको बहुत लोगों का क्या है कि OTP आ जाता है भाई, तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे का है कि सर भूल गए हैं ईमेल ID, कोई दिक्कत नहीं है। दुकानदार का जो कैफ़े वाले का ये है ईमेल ID है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या होगा, आपको ये सबसे कोई इस सब का कोई लफड़ा ही नहीं है, सब लफड़ा ख़त्म हो गया। आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए जैसे ही आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो एग्ज़ाम में आपका जैसे ही आपने यहाँ पे जैसे ईमेल था, ईमेल पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका ईमेल ID जो भी आपने एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के दौरान डाला था वो ईमेल ID यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद CC VCC का कोई फंडा नहीं है, वो कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद आपको क्या है, फॉर्म भी आपका सब लिखा रहेगा, क्या किसके थ्रू जा रहा है वो भी लिखा रहेगा, ठीक है। सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट लिखा रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट में आपको दिया हुआ सब्जेक्ट क्या लिखना है, वो सब्जेक्ट भी आपका हो सकता है लिखा रहेगा, अगर ना लिखा हो तो जैसा इंस्ट्रक्शन में आपको बताया रहेगा वो चीज़ यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना था, उसके बाद आपको बचता है सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट में आपको लिखना है अपना नेम, अपना नेम लिखना है, उसके बाद रोल नंबर लिखना है, ठीक है, रोल नंबर लिखना है, और आपको क्या लिखना था, आपका एग्ज़ाम का डेट लिखना था, ये सब आपको लिखना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपना वहाँ पे अटैच का जो ऑप्शन आता है वहाँ पे अटैच में जा क्लिक करना है, सीधे आपको वो ड्राइव खुल जाएगा जहाँ पे आपका फाइल सेव है, क्योंकि उसके बाद दूसरा कोई भी फाइल नहीं है, क्योंकि ये सर्वर पे बेस्ड हो रहा है, तो वो सर्वर पे बस वही फाइल है जो आपने सेव किया है इसमें, जो एग्ज़ाम पिछले जो तीन जो सेक्शन था उसमें, तो डायरेक्टली आप यहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट कीजिए और जाके सेव है, नेक्स्ट में होता है सेव एंड सेव, यहाँ सेंड आएगा तो आप इसमें सेंड में क्लिक कर दीजिए, वैसे ही आपका ये फाइल सेंड हो जाएगा। तो आपको जो भी टेंशन था ईमेल रिलेटेड आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपका ईमेल का कोई लफड़ा नहीं है। आपके लिए सबसे अच्छी खबर है कि ईमेल का सारा लफड़ा ख़त्म हो चुका है, ईमेल आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहेगा, उसी सेट से चला जाएगा, आपको नेट वगैरह कुछ खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, OTP का लफड़ा ख़त्म हो चुका है। ये काफ़ी अच्छी बात है। बहुत लोग जो कन्फ्यूज़ थे कि सर मेरा कैफ़े का है, मैं उसे क्या करूं, मैं न्यू ईमेल ID से भेजूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सिंपली आपका सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, उस डिफ़ॉल्ट में आपको जाना है, वहाँ से आपको मेल कर देना है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक लोग कन्फ्यूज हैं कि प्रिंटआउट निकालना है, प्रिंटआउट निकालने के लिए क्या होगा, देखिए प्रिंटआउट के लिए क्या है ना, प्रिंटआउट के लिए आपका उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, हो सकता है आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, 30 मिनट के अंदर आपको ये प्रिंटआउट ये ऑप्शन में नहीं है, तो आप कोई टेंशन मत लीजिए, 30 मिनट के बाद ही आपको प्रिंटआउट का अगर आपको निकालना होगा तो, ऐसे मुझे नहीं लगता है कि एक एक बच्चा अगर प्रिंटआउट निकालेंगे तो उतना उनके पास ये भी चाहिए, क्या बोलते हैं, उनके पास उतना प्रिंटर चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो लोग क्या करेंगे, आप लोग सेव कर दोगे, मेल कर दोगे, वो लोग बोलेंगे खुद से हम लोग प्रिंटआउट कर लेंगे, ऐसा ज़्यादा होने का चांसेस है, तो इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका ईमेल का सारा डाउट क्लियर हो गया। अब अगर कोई भी डाउट अभी भी बचता है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। हाँ, आपको एग्ज़ाम आपका इसी मंथ में लास्ट में होगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली डेट है इसी मंथ के लास्ट में, लास्ट तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी ऐसा कुछ तो है नहीं बताने के लिए, अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई तुरंत दे दूंगा, ठीक है। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जैसा मैंने हमारे सेट में मेरा सेट जो बनाया था उस सेट में जैसा क्वेश्चन मैंने बनाया था उसी सेट जैसा आया है। अगर आपको सेट लेना हो तो आप इसे परचेज करने के लिए 7979799, ठीक है, 30284 पे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए,
ठीक है, व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको यहाँ पे आपको हेल्प कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, ये पूरी हेल्प जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। और आपको जो भी क्वेश्चन है वो आपका ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है कि जैसे 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 बात हुआ इसमें आप आराम से सारे कैंडिडेट जो भी हैं वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्लियर करेंगे, थोड़ा बहुत भी अगर वो जानते हैं तो। और जो आपका सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन प्रोसेस का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं कैसे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, टोटली आपके मार्क्स पे, जो मार्क्स था उस बेसिस पे होगा, और आप मार्क्स कैटेगरी और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उस पे बेस्ड होगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।